नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक पवार स्वागत करता हूं आपका policyplan.com के YouTube चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में इंडेक्सेशन बेनिफिट के बारे में पूरी आपको जानकारी मिलेगी, बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक। टैक्सेशन के लिए इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है, तो इंडेक्सेशन बेनिफिट मतलब क्या रहता है दोस्तों? एक इन्फ्लेशन का एक रेट हमेशा चलता रहता है, जिसको एक होलसेल प्राइस इंडेक्स इनकम टैक्स में एक स्लैब दिया गया रहता है कि इस साल का जो इन्फ्लेशन का इंडेक्स है वो एवरेज ये था। फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 5.5% है या मान लो 6% है, तो जो फंड के रिटर्न आए उसमें से इंडेक्सेशन जो है वो माइनस हो जाएगा। मान लेते हैं कि फंड का परफॉर्मेंस हो गया 13% और इंडेक्सेशन बेनिफिट है 6% का, तो 13-6 मतलब 7% के ऊपर ही आपको टैक्सेशन लगेगा। वो कितना? वो भी फ्लैट है 20%। अगर आप 30% के ब्रैकेट में भी आते हो तो भी आपको 20% से भी कैलकुलेट होगा, वो भी इंडेक्सेशन कट करने के बाद का जो अमाउंट है उसी के ऊपर। दोस्तों, गवर्नमेंट ने म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन चालू किया है कुछ 2 साल पहले। टैक्सेशन क्या कहता है कि 1 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, जो प्रॉफिट हो गया उस पर, मतलब 1 लाख का अगर अपन ने प्रॉफिट विड्रॉ किया, ओके मैं विड्रॉ की बात कर रहा हूं, तो विड्रॉ अपने प्रॉफिट किया 1 लाख, तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा विद इन फाइनेंशियल ईयर। लेकिन मान लेते आपने 1 लाख से ऊपर किया, जैसे कि किसी ने प्रॉफिट विड्रॉ किया, 5 लाख डाले थे उसके 15 हो गए और उसने पूरे 15 निकाले, तो 10 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो 1 लाख के ऊपर के अमाउंट को आपको टैक्सेशन लगने वाला है। लेकिन जबकि इस फंड में इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलने वाला है, तो इंडेक्सेशन बेनिफिट कहता है कि आपको 20% ही टैक्स लगेगा, वो भी इन्फ्लेशन का इंडेक्स कट करने के बाद जो रिटर्न आएंगे उसी के ऊपर बनेगा, वो भी आप जब विड्रॉ करोगे। तो दोस्तों, अगर आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमारा ऐप है Fortune MF, उसको डाउनलोड कीजिए। स्क्रीन पे जो नंबर दिए हैं उसके ऊपर कॉल कर सकते हैं, आपको और डिटेल जानकारी हम लोग दे सकते हैं, आपका पोर्टफोलियो जो है वो हम पर्सनली डिजाइन करके दे सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।